क्या आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से फंक्शनल इंग्लिश 1207 पास करने से परेशान हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने में या पढ़ने में परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी न्यूज़ पीके पर खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले मैंने 1423 और 386 FA इंग्लिश और 1423 BA की इंग्लिश के पेपर के बारे में बताया था। आप मेरी वीडियोस वो भी देख सकते हैं। अगर किसी दोस्तों ने वो वीडियोस देखी हैं तो उनको पता होगा कि मैं पेपर की तैयारी के रिलेटेड आपको मटेरियल शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी, तो हमारे सामने आज एक पेपर है स्प्रिंग 2013 का, जिसके अंदर आपको WH क्वेश्चंस दिए गए थे। WH क्वेश्चंस जिसके सॉल्व करने का तरीका ये है कि WH असल में चीज़ क्या है। जब आप किसी लफ्ज़ के साथ वेयर, वैन, वाई, विच, वाट लगाते हैं तो ये पहले जो दो लफ्ज़ हैं ये WH क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू WH क्वेश्चंस मीन्स दैट वेयर मीन्स कहाँ, वेयर सबा इज गोइंग दैट्स द पॉइंट मीन्स दैट फॉलोइंग सेंटेंस को हमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। वेयर सबा इज गोइंग क्वेश्चन मार्क। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माई नेशनैलिटी, ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा। व्हेन यू विजिट द जू, मतलब जब आपने चिड़ियाघर का दौरा किया। ठीक है जी, उसके बाद विच इज योर हाउस, ओके, मतलब कि जो आपका घर है। व्हाई यू लेफ्ट द कॉलेज दैट्स द पॉइंट। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर डिस्क्राइब योर अंकल्स डेली रूटीन इन डिटेल। आप अपने अंकल के बारे में जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो 15 सेंटेंस लिखेंगे। जस्ट लाइक सबा इज गोइंग टू लोधरा, दिस इज अ वन सेंटेंस। यू विल मेक 15 सेंटेंस टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ओके, कई दोस्तों को मेरी इंग्लिश की समझ नहीं आ रही होगी, मैं उनके लिए ये उर्दू में दोबारा रिपीट करता चलूँ कि आप इसके अंदर अपने अंकल की जो रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो काम करते हैं, उनकी रूटीन के जो काम हैं उसको यहाँ पे 15 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में। ओके, नंबर 3, एक्सप्रेस योर लाइक एंड डिसलाइक, मतलब आपको वो कौन सी चीज़ें हैं इनमें से जो पसंद हैं और जो नहीं पसंद, उनमें इन दोनों में इन 5 चीज़ों में से दो चीज़ें आपने पिक करनी हैं जिसको आप पसंद करते हैं और अगर नहीं पसंद करते तो क्यों नहीं करते। आपने 5-5 नंबर का उसके बारे में लिखना है। जस्ट लाइक रीडिंग नावल्स, अगर मैं कहूँ कि मुझे नावल्स बहुत पसंद हैं, दे आर द इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन द नावल्स, ओके, एंड सो मैनी डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब द स्टोरी एंड मैनी लैंग्वेजेस आर डिस्क्राइब्ड इन नावल्स, द असलम वाज अ करेक्टर इन द नावल, द असलम इज़ अ गुड करेक्टर फॉर द स्टोरी, ओके, द रीडिंग नावल्स आई लाइक दैट। ओके, इफ़ आई से आई डिसलाइक दिस रीडिंग नावल्स देन आई विल से असलम इज़ नॉट अ गुड थिंकर, मीन्स दैट के नावल को लिखने वाला बंदा कोई अच्छा नहीं था तो इस वजह से मुझे नावल पसंद नहीं है। द नावल राइटर इज़ नॉट अ बेस्ट राइटर, ओके, मतलब कि उसके अगेंस्ट आपको बुरी चीज़ें बतानी है। टेकिंग फास्ट फूड इज़ अ नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ, ओके, नॉट हेल्दी फॉर योर एक्सरसाइज, मीन्स दैट कि इसके डिसलाइक्स बता सकते हैं। और अगर आपके मतलब पसंद है तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज सो टेस्टी फूड जस्ट लाइक अ पिज़्ज़ा, बर्गर एंड शॉर्मा टाइप। ओके जी, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फास्ट फूड जो है वो अच्छी है तो क्यों है और अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है। वॉचिंग मूवी, मूवी देखना एक अच्छा काम है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वॉचिंग मूवी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
मूवीज़ में भी किस्में होती हैं, आप किस्मों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी बुरी। प्लेइंग क्रिकेट, कुछ लोग हैं जिनको क्रिकेट अच्छी लगती है, कुछ लोग हैं वो क्रिकेट पे जान भी देते हैं। तो क्रिकेट के लिए अच्छे अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाइक में आएंगे, अगर डिसलाइक करते हैं तो आप उसकी खामियां बताएंगे। आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में, उसके जो अच्छी अच्छी बातें आपको लगती हैं वो आप बताएंगे। अगर आपको हॉस्टल में रहना पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में जो भी आपको परेशानी है या जो भी उसकी बातें बुरी लगती हैं आपको वो आप बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट और डिक्लाइन फॉर फॉलोइंग इन्विटेशंस। ओके जी, फर्स्ट अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो उसको आप मतलब कि एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्टेशंस जो है वो लें या डिक्लिनेशन लें। ठीक है जी, लेट अस गो टू सुपर मार्केट, मतलब हम मार्केट चलते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप एक्सेप्ट, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिक्लाइन। उसके बाद लेट अस गो द सिनेमा टू वॉच अ मूवी, अगर आपको सिनेमा अच्छा लगता है तो आप जाएं मूवी देखने, बताएं। अगर आपको सिनेमा अच्छा नहीं लगता तो आप कहें कि मुझे मूवी देखना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आई शैल वेट फॉर योर एट मैकडोनल्ड्स, अगर आपको मैकडोनल्ड जाना अच्छा लगता है तो आप बताएं कि मैकडोनल्ड जाना अच्छा लगता है, अगर नहीं तो आप क्लियर कह सकते हैं। इनविटेशन एक्सेप्टेंस है आपकी, आप इनमें से एक इनविटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक इनविटेशन डिक्लाइनेशन कर सकते हैं, और उसकी वजह बतानी है कि क्यों। अब आते हैं हम पांच नंबर क्वेश्चन पे कि राइट द जॉब प्रोफेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, पर्सन हु ट्रीट्स द पेशेंट्स, डॉक्टर, डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स। ओके, उसके बाद ये आपने जॉब और प्रोफेशन दोनों चीज़ें बतानी हैं इसके अंदर, के कौन सा बंदा है जो क्या काम करता है। पर्सन हु एडवोकेट्स द क्लाइंट एट अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये लॉयर होता है जो एडवोकेट करता है बंदे को। उसके बाद पर्सन हु मेंड योर शूज़, वो कौन सा बंदा है जो आपके जूते सिलाई करता है। दैट्स वाज अ प्रोफेशन ऑफ अ कोबलर। ओके, नंबर फोर, पर्सन हु रन्स ब्रेक्स ब्रेड, कौन सा बंदा है जो बेकरी की ब्रेड बनाता है। वो बेकर्स आर द प्रोफेशन ऑफ अ बेकर विच कैन बेक द ब्रेड। ओके, पर्सन हु रन्स अ फैक्ट्री, वो कौन सा बंदा है जो फैक्ट्री रन करता है। अ एडमिनिस्ट्रेटर, अ एडमन, अ ऑनर, जो भी बंदा है वह बिजनेसमैन फैक्ट्री रन करता है। ओके जी, ये सब के सब जो थे ये प्रोफेशंस थे, और अब ये आ गई हैं नीचे जॉब्स। टीचर, ये भी प्रोफेशन ही है, अगर इसको जॉब ले लें या प्रोफेशन ले लें जैसे आपको बेहतर लगे। टीचर के बारे में बताना है कि ही टीच या शी टीच द स्टूडेंट्स। ग्राइंडर, ठीक है जी, गार्डनर, गार्डनर है कि आपके पौधों की रखवाली करने वाला, आपके बागात की रखवाली करने वाला। नर्स आप बेहतर जानते हैं, पायलट को भी आप बेहतर जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन को भी आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको सूटेबल लगते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ पायलट सो आई वॉन्ट टू गो, ओके मैं जाना चाहता हूँ। सलमा इज़ वेरी गुड कुक एज एज असलम एज साइमा। ओके, यू मे गो टू रावलपिंडी, डेरा गाजी खां एंड अदर, मतलब साइट कोई आप बता दें, एंड इस्लामाबाद एंड पेशावर, एनीथिंग मोर। द वेदर इज़ सो क्लाउडी ड्यू टू आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। आई कुड नॉट रीच इन टाइम बिकॉज आई वॉज पंचर्ड माई टायर ऑफ बाइक और पंचर ऑफ टायर माई कार। आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा।
और इनके जो आपने एडजेक्टिव्स मैच करने हैं वो इनके मीनिंग्स ह्यूज बिग, मैचलेस मीन्स कि कोई चीज़ जो मैच नहीं कर रही उसको आप डिफरेंट भी कह सकते हैं, वोलन ठीक है जी, स्ट्रेटियस मैग्निफिसेंट, मतलब इनके रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें बेहतर लगती हैं वो आपने बतानी है। रीड द टेक्स्ट एंड क्वेश्चंस गिवन एट एजर एंड, ओके इसके एंड पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ के इसके अंदर से सवालों के जवाब देने हैं। इस तरह आपका पेपर होता है कंप्लीट। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, उसके अंदर सिर्फ मैं क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा आपको और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आपको बेहतर और आसानी से पता चलता रहे। स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि नायला इज इन लाहौर टू विजिट हर आंटी, आंटी के घर गई हैं और उनको विजिट कर रही हैं। हबीब इज 30 years ओल्ड एंड बिजनेसमैन, ठीक है। पुलिस स्टॉप द नासर बिकॉज ही डिड नॉट हैव लाइसेंस, ठीक है। और इसके आपने स्टेटमेंट्स राइट देन द आंसर एज वेल, नायला क्यों गई है लाहौर, आंटी के लिए गई है, वाई शी गो, ओके। हबीब जो है वो बिजनेसमैन है तो वो कैसे बिजनेसमैन बना, पुलिस ने नासिर को रोका है तो उसका लाइसेंस किधर है, अगर वो रिलेटिव इस्लामाबाद में रहते हैं तो उनका घर किधर है, कमाल बेग ड्राइविंग कर रहे हैं कार इस्लामाबाद के लिए तो वो इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं, ओके। अच्छा गिव द कंप्लीट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, मैं अपने बारे में बताऊंगा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट इज़ योर, ओके आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, वेयर व्हाट इज़ योर नेशनलिटी, आई एम अ पाकिस्तानी, विच लैंग्वेज यू कैन स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश उर्दू एंड पंजाबी, ओके। हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये तो आसान आसान से सवाल हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, योर फ्रेंड नेम ऑफ दैट्स ऑल, हु इज़ योर बेस्ट टीचर, योर बेस्ट टीचर नेम, ओके। द 15 नंबर इन योर हैंड, ईजिली यू कैन टेक इट, यू हैव बीन लिविंग इन अ हाउस फॉर द लास्ट 5 years, नाउ यू वॉन्ट टू मूव आउट एंड मूव फाइंड अ न्यू एकोमोडेशन, एकोमोडेशन कहते हैं आपकी मतलब रहने की जगह जहाँ पे आपको पुरसकून माहौल मिले। अच्छा उसकी 5 आपने रीजंस लिखनी है, शिफ्टिंग कर रहे हैं नया हाउस की, 1 एग्जांपल फॉर यू, आपने उसकी एक एग्जांपल देनी है, आई वांट टू शिफ्ट माय न्यू हाउस बिकॉज, आपने रीजंस लिखनी है, वो मुझे छत उसकी नहीं ठीक थी या उसके दरवाजे ठीक नहीं थे, एज वेल जो भी आप चाहें। उसके बाद रीड द गिवन पैराग्राफ इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अल्फा अच्छा फॉलो, ये आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, दोनों की जो कन्वर्सेशन हुई है जो दोनों ने आपस में बात की है, उसके बाद आपने इनके जवाब देने हैं। इसी तरह कॉलम मैच करने हैं आपने नीचे, आई कॉम कहते हैं इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, ओके जी, ये आपकी मैट्रिक के बाद की जो डिग्री हैं उनके बारे में पूछा गया। उसके बाद हम बात करते हैं एफ एस सी, एफ एस सी कहते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस, ओके जी, और उसके बाद बी ए, बी ए कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, बी कॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बी बी ए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके जी। योर फ्रेंड आस्क योर क्वेश्चंस बट यू लाइक योर लाइक एंड डिसलाइक, ओके जी, आप इसमें फिर डिसलाइक और लाइक बताने हैं आपने, वो हाउ वुड यू एक्सप्रेस देम, कलर्स पर्सनैलिटीज राइटर और पास्ट टाइम एक्टिविटीज ड्रेसेस जो भी आप बताना चाहें, ठीक है जी। इसके बाद इन सेंटेंसेस के पढ़ना है आपने, वर्ब ऑफ प्रपोजिशन आपको जो बेहतर लगती है इनके दरम्यान में आपने यूज़ करनी है, ठीक है। डू यू लाइक टू ट्रेवल बाय एयर आर बाय रोड, ठीक है, इसके अंदर वर्ब की जो प्रपोजिशन है वो आपने करनी है, ठीक है जी। इसके अलावा आपके सामने मैं ये पेपर दिखा रहा हूँ आपको, वही क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट किए गए हैं, उनको पढ़ने का और उनको देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है,
डब्ल्यू एच क्वेश्चन एक फिर आ गया है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है? डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो हैं, ये जो चीज़ पहले आ रही है उसके रिलेटेड है। और मैं इसके बाद आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में आपके लिए डिसलाइक और लाइक की चीज़ें दी गई हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से आपको मॉडल पेपर जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ जी। आई लाइक स्विमिंग, ओके लाइक। आई हेट हाइकिंग, मतलब कि पहाड़ चढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब इसके रिलेटेड आपको ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हैं वो दे बताने हैं। फूड, मूवीज़ कैसी लगती हैं आपको, ठीक है, वो आपने बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि रीड यूनिट टू, आपकी बुक के अंदर जो यूनिट टू है उसको रीड करें। और कपड़े ख़रीदने, फर्नीचर और वॉल हैंगिंग की चीज़ें हैं उसके बारे में बता। सरप्राइज ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट ऑफ जॉब फॉर अ लैंग्वेज टीचर इन अ न्यूज़पेपर, आपने वो इसके बारे में बताना है। फुल नेम बताना है, अपना एड्रेस बताना है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे जो पूछी गई हैं, आपको नौकरी दी जा रही है उसके लिए बताना है। ओके जी, कीप इन योर माइंड यूनिट वन। यूनिट वन अगर आपने पढ़ा है तो उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सनी इन पैराग्राफ फॉर्म क्या है, सनी कौन है। कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सनी, यस आई एम सनी रॉय, ओके, या उसके बारे में आपको बताया गया है। What the following paragraph sentence contain different parts of speech? Okay, यहाँ पे आपको different parts of speech जो दिए गए हैं इसके अंदर से आपने verb, noun और pronouns और adverb और preposition निकालने। अच्छा, उसके बाद आपने what a postcard, brother अपने भाई को एक postcard लिखना है कि वो attend summer camp में आए, अटेंड करें। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आपने पुअर, फेक और ये बतानी, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये एक मॉडल पेपर है जो आपके साथ शेयर किया गया है, और मुझे उम्मीद है मैं आपके साथ ये पेपर्स की तमाम फाइल भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दोबारा से अपने चैनल पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने 14, 23 और 386 के पेपर की तैयारी के लिए भी मटेरियल फ्राहम किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए मैट्रिक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैंने ये आज पेपर तैयार किया है। तो मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी नासिर है। अल्लाह हाफिज़।